नमस्कार, एनबीसी न्यूज 24 स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं राजकुमार इठारवाल। नजर डालते इस वक्त की खास रिपोर्ट पर। सीकर के दोस्त स्थित नागौ गांव से दुलर अपहरण मामले ने एक नया मोड़ ले लिया है। लोग आरोपी अंकित का पक्ष ले रहे हैं और पुलिस पर भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं। आखिर क्या कह रहे हैं एक समाज विशेष के लोग, क्या है इनकी मांग जिससे हो रहा है इतना बड़ा बवाल? देखिए एनबीसी न्यूज 24 की रिपोर्ट। मामले को लेकर वीर तेजा संगठन के साथ ही अन्य संगठनों ने निष्पक्ष मांग को लेकर सीकर बंद की घोषणा कर दी। वही प्रशासन ने सामाजिक संगठनों के विरोध को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम कर दिए और चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात कर दिया। मामले को लेकर जिला कलेक्टर सीआर मीणा ने बताया कि शहर में शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए शाम 5 बजे तक इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। इसके लिए सभी टेलीकॉम कंपनियों को पत्र देकर निर्देश दिया गया है। इससे पहले 20 अप्रैल को भी इंटरनेट सेवाएं बंद रही थी। उधर जाट समाज का कहना है कि मामले को लेकर पुलिस मनमानी कर रही है, जिसके चलते वीर तेजा और अन्य संगठनों के लोग डाक बंगले पर पहुंचे और वहां से शुरू होकर कलेक्ट्रेट चले गए, जहां पुलिस ने उन्हें भारी रोक लिया। इसके बाद समाज का एक प्रतिनिधि दल पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचा और जांच अधिकारी को बदलने की मांग की, जहां पुलिस ने आईजी को पत्र लिखकर 1 घंटे का समय मांगा। वही बंद के दौरान कई बार तनाव की स्थिति भी बनी, जब संगठन के लोग दलों में विभाजित होकर दुकानों को बंद कराने पहुंचे, लेकिन सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने से कोई अशांति नहीं हुई। उधर अंकित का पक्ष ले रहे संगठनों का कहना है कि आरोपी को 2 बार रिमांड पर लिया जा चुका है, जबकि दुल्हन के अभी तक कोर्ट में बयान ही नहीं हुए। इतना ही नहीं, अंकित के पक्षकारों का ये भी कहना है कि जो अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं वो समाज विशेष से संबंध रखता है। पुलिस प्रशासन के आश्वासन के बाद मामला शांत हो गया है। जानकारी के लिए बता दें कि सीकर के नागवा गांव से 17 अप्रैल की रात शादी की विदाई के 20 मिनट बाद राम बक्सपुरा स्टैंड के पास बोलेरो और पिकअप में आए कुछ बदमाशों ने मारपीट कर दुल्हन का अपहरण कर लिया था, जिसके बाद पुलिस ने दुल्हन समेत दोनों आरोपियों को उत्तराखंड के देहरादून से गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि दुल्हन तो बरामद हो गई, वहीं आरोपी 20 लाखों के पीछे पहुंच गए, लेकिन मामले में पुलिस पक्षपात को लेकर कई सारा बवाल हो रहा है। यह देखना है कि आखिर में समाज के लोग सही हैं या पुलिस। फिलहाल एनबीसी स्पेशल में इतना ही। आप देखते रहे एनबीसी न्यूज 24। नमस्कार। सब्सक्राइब करें।